प्राथमिक शाला हमारा संकुल केंद्र टोरिया के अंतर्गत दौसा लाए शिक्षा गारंटी की है। कंचनपुरा और अंबारा इन दोनों जगह पर लाइट है ही नहीं। एक और शासन प्रशासन डिजिटल इंडिया की बात करती है और लाइट है नहीं तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था में डिजिटल इंडिया कैसे बन सकता है? नामुमकिन है और अधिकारी कर्मचारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ना ही देना चाहते हैं। मेरा सभी इस व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारियों से कहना है कि इन दोनों विद्यालयों में लाइट कनेक्शन और लाइट की जो भी कार्य केवल नहीं है वह करवाने का कष्ट करें ताकि बच्चों को और शिक्षकों को लाइट के माध्यम से डिजिटल शिक्षा दी जा सके। पलेरा से उत्तम सेन की रिपोर्ट। भी परेशान तो मैं आपसे बात कराना चाहता हूं, इन बच्चों से ये बताएंगे कि पानी की क्या समस्या है। क्या नाम बेटा? नाम बताओ अपना। दीपांशी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं दीपांशी? फोर में पढ़ती हैं। ये बॉटल आपको यहाँ पानी पास में नहीं है क्या? नहीं। तो कहाँ, घर से लाती हैं? घर से। और लाइट आपके यहाँ कब से नहीं है? लाइट बताओ, नहीं है जब से नहीं है। मतलब लाइट भी यहाँ नहीं है और पीने का पानी भी एक किलोमीटर दूर, मतलब एक किलोमीटर नजदीक है ही नहीं पानी। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और एक और शासन प्रशासन डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है और इधर लाइट भी नहीं है, ये कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा? इस ओर शासन प्रशासन विद्युत विभाग शिक्षा विभाग और जो पानी वाला विभाग है उसको उसका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और कलेक्टर महोदय सभी लोग इसको इस समस्या का समाधान करें। ये हमारे बच्चे यहाँ अच्छे संख्या में उपस्थित हैं, उनको खाना भी बहुत अच्छे से दिया जा रहा है और ये पूरा अपने नियमानुसार बैठ करके भोजन कर रहे हैं। और सर ने आपको बता ही दिया है तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि शासन प्रशासन इस समस्या का, पानी और लाइट की समस्या का समाधान करें। यहाँ सब कुछ टंकी लग गई है, सब फिटिंग हो गई, लेकिन पानी लाइट ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? ये मेन समस्या है। इस ओर माननीय विधायक जी, माननीय, आज हम प्राथमिक शाला अमुआरा के अंदर क्या स्थिति है व्यवस्थाओं की, वो आपको बताना चाहते हैं। शासन प्रशासन का यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ताकि ये समस्याएं दूर हो सकें। तो सर आपके यहाँ लाइट, आप सर क्या नाम है? राकेश कुमार खरे। और आप टीचर हैं तो यहाँ लाइट के बारे में थोड़ा आप बताइए। यहाँ लाइट 2 साल पहले कनेक्शन हुआ था लेकिन खम्भे में केबल भी नहीं है और आज तक चालू नहीं है। मतलब तार भी नहीं है, यहाँ कनेक्शन भर है, यहाँ लाइट नहीं है। और यहाँ पानी की जो बहुत सारी बाटलें दिख रही हैं बच्चों के सामने, ये बच्चे अपने यहाँ से बाटलें ले लेकर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर क्या है कि यहाँ संस्था में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, सभी बच्चे अपने घर से बाटल में लेके आते हैं। ये स्थिति यहाँ है, समूह वाले भी परेशान, बच्चे भी परेशान और शिक्षक भी परेशान।